विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे ही कांग्रेस आला कमान की तरफ से उम्मीदवारों को उतारा गया, वैसे ही जो उम्मीदवारों के पारिवारिक कलह है वो सामने नजर आने लगे हैं। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वैद्य की बात करें, उन्हें गिल से टिकट दे दी गई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं वो नाराज चल रहे हैं और आज इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, कुलदीप वैद्य जी से आपकी क्या नाराजगी चल रही है, क्यों बीजेपी में शामिल हुए आज? उससे नाराजगी सबसे बड़ी ये है, दलितों से वो नफरत करने लगा, ये सबसे बड़ी नाराजगी है। और जो वर्कर काम करता है उसके साथ, जिसने उसको दिन पर रात एक किया, उसको नहीं पूछता, बड़े लोगों को पूछता, इसलिए हमारी नाराजगी है उससे। जिस तरीके से अगर हम कुलदीप वैद्य जी की बात करें सर, वो लगातार यही अपना पक्ष अभी रख रहे हैं कि आप उनके सगे भाई नहीं हैं। बड़ा भाई हमारा कुलभूषण सिंह है, उससे छोटे दो सिस्टर हैं, उससे छोटा एक भाई है, उससे छोटा मैं हूँ, उससे छोटा एक मर गया वो है, उससे छोटा सिस्टर है हमारी, उससे छोटा कुलदीप सिंह वैद्य है, उससे छोटा एक भाई था हमारा रंजीत सिंह, वो अमेरिका में मिस हो गया है। ऐसे हमारी रिश्तेदारी, उसकी अभी कोई रिश्तेदारी नहीं हमारे साथ, ना हम उसके भाई हैं, ना कोई रिश्तेदार है। जब बड़ी गाड़ियां होंगी वो उसके सब कुछ है और कोई नहीं है। वो लद्दर साहब करे या ये रिटायर हैं, वो बीजेपी से हैं, उनको हम जिताएंगे और उनके लिए दिन पर रात एक करेंगे, इसके लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो उसने किसानी मोर्चा कुछ नहीं किया, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ के आके चाय वाय पी के बादाम काजू खाए और घर पे आ गया, कहते हैं उन्होंने अपने जो हलके हैं उसके मुद्दे उन्होंने सुलझाए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया सिवाय नफरत के, कुछ नहीं बोला उसने सिवाय नफरत के। सभी गिल हलके जितने भी है ना, अपने सरपंच तकरीबन तीनों सब नाराज हैं उससे। तो गिल हलके में जा के आप अपने भाई के खिलाफ प्रचार करेंगे? हाँ करेंगे, करेंगे ठोक के करेंगे और उसके विरुद्ध करेंगे, उसको हराएंगे और इसको जिताएंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। ये थे सरबजीत वैद्य जो कि कुलदीप वैद्य के भाई हैं। कुलदीप वैद्य की अगर बात करें, सिटिंग एमएलए हैं गिल से कांग्रेस के और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट भी दे दी गई है गिल से। तो ऐसे में इनका कहना है कि उनकी तरफ से कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है, तरीके का इनका आरोप है। यही वजह है कि इन्होंने आज बीजेपी का मन थमा है और साथ इनका कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार के लिए गिल में प्रचार करेंगे, ना कि अपने भाई के लिए। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।